सो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आपने स्क्रैच बुक के बारे में तो सुना होगा। अगर हम उसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो नीचे से कलर्स निकल कर आते हैं और हमारी ड्राइंग कलरफुल दिखती है। तो वही चीज़ हम आज की वीडियो में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली स्क्रैच बुक में मैं पैसा वेस्ट करने वाली हूँ नहीं, तो खुद की स्क्रैच बुक बनाएंगे और उसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर कर देखेंगे। तो जो जो मेरे पास टूल्स अवेलेबल थे मैंने उनसे स्क्रैच बुक बनाई। तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या टूल्स हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल पेस्टल कलर्स, कोई भी ब्रांड के आप ले सकते हो, मैं ले रही हूँ कैमलिन के। और उसके बाद हमें चाहिए वाटर प्रूफ इंक, कोई भी ब्रांड की इंक ले सकते हो। इंक नहीं है तो आप पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हो। इंक में थोड़ा सा ग्लॉस फील हमें मिलता है देखने को और पोस्टर कलर में मैट फील मिलता है। इसके बाद चाहिए कोई भी कटर, उसको स्क्रैच करने के लिए, या फिर कटर नहीं है तो आप कोई भी खाली पेन ले सकते हो। और लास्ट में हमें चाहिए ब्रश जो हम इंक अप्लाई करेंगे शीट के ऊपर उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो रैंडमली मैंने कोई भी कलर उठाया है और शीट के ऊपर फिल करना स्टार्ट किया है। और इसी तरह हम पूरी शीट को कवर कर देंगे बहुत सारे कलर्स से, या फिर दो या तीन कलर भी सिलेक्ट करके उनसे भी हम अच्छा खासा आर्टवर्क निकाल सकते हैं। या फिर कोई भी जो आपने रेफरेंस सेलेक्ट की है अपने आर्टवर्क के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्री प्लान करके कलर्स को फिल कर सकते हो। ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर है। तो फटाफट से इसको फिल करेंगे, फिर सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमें लेनी है इंक और कोई भी एक ड्राई ब्रश लेना है। उस ब्रश को इंक के अंदर डिप करना है और कंप्लीट शीट के ऊपर एक कोट अप्लाई करना है। जो इंक का फील है ना, वो थोड़ा ग्लोसी फील है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शाइन वाला इफेक्ट नहीं चाहिए है तो आप पोस्टर कलर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसको हम बोलेंगे स्क्रैचिंग पेंटिंग, या फिर हम स्मोक पेंटिंग भी इसको बोल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड स्टेप की तरफ। तो अभी कंप्लीट शीट को हमने ब्लैक बना दिया, तो ऐसा टूल हमें चाहिए जिससे आउटलाइन हमें दिखे, विजिबल हो। तो उसके लिए हम ले सकते हैं ग्लास मार्किंग पेंसिल। तो मैंने ली है अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल और इससे फटाफट से मैं एक रफ आउटलाइन बना लूँगी जो भी हमें आर्टवर्क बनाना है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पैरेट। पैरेट की सिर्फ रफली आउटलाइन करूँगी, बाकी काम हम कटर से या फिर कोई स्क्रैचिंग टूल से करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा फाइनल पार्ट। और जैसे जैसे मैं इसको स्क्रैच करूँगी, अलग अलग कलर्स निकल कर आने वाले हैं जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट है। बहुत टाइम लेके, बहुत इंजॉय करके मैंने ये लास्ट वाली प्रोसेस कंप्लीट की है। बहुत सेटिस्फाइंग पार्ट था जब मैं इसको स्क्रैच कर रही थी। और बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, जैसे हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, डूडलिंग, इनफैक्ट स्टिपलिंग भी हम इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। और फिलहाल मैं इस आर्टवर्क के लिए यूज़ कर रही हूँ हैचिंग का। जैसे हमें अगर बहुत डार्क वैल्यूज़ दिखानी है तो हम हैचिंग को बहुत क्लोज बना सकते हैं। अगर हमें लाइट वैल्यूज निकालनी है तो हम हैचिंग को स्प्रेड कर सकते हैं, थोड़ा दूर दूर बना सकते हैं। तो इस तरह से लाइट टू डार्क वैल्यूज़ निकालना भी इसके अंदर पॉसिबल है। स्केचिंग पेंटिंग के अंदर हम कुछ एक्सपेरिमेंटल भी ट्राई कर सकते हैं और नॉर्मल आर्टवर्क भी बना सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्राई करूँगी। बाकी आप अपना अपना सजेशन देना कमेंट बॉक्स में, क्या चीज़ मैं ट्राई कर सकती हूँ। तो हमें स्क्रैचिंग पेंटिंग के लिए स्क्रैचिंग बुक पर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं तो हम वैसा ही आउटपुट निकाल सकते हैं। और शीट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इस पेंटिंग के लिए। इनफैक्ट 1-2 रुपये वाला प्रिंटिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ आइवरी शीट और फटाफट से इसको कम्प्लीट करेंगे। लास्ट का आउटपुट देखते हैं कैसा निकलता है।
फाइनल सिग्नेचर के साथ आज की पेंटिंग को फिनिश करते हैं और ये है इसका फाइनल आउटपुट। तो फटाफट से मैं इसकी मास्किंग टेप रिमूव कर दूँगी और आज की वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। और होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर एक लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। साथ ही आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो जल्दी मिलूँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।